नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ आयुर्वेद इंडिया में। सही आहार व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी देता है। आपके मस्तिष्क को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह दिल, फेफड़े या मांसपेशियों को होती है। रिपोर्ट का कहना है कि स्वादिष्ट बेरीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो उम्र बढ़ने के कारण बनने वाली फ्री रेडिकल डैमेज को खत्म करता है। और उनके पास न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण भी होते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को रसायनों प्लेक या आघात से होने वाले नुकसान से बचाकर उम्र से जुड़ी मेमोरी लॉस को रोकते हैं। ये सूजन का मुकाबला भी करते हैं, जो उम्र बढ़ने का एक और कारक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे बताएंगे आपको शार्प ब्रेन और मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं टमाटर की। जी हाँ दोस्तों, टमाटर में पाए जाने वाले एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन होता है, जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में बहुत मदद करता है, जो डेमेंशिया विशेष रूप से अल्जाइमर के विकास में सहायक होता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का एक और वर्ग है। इसके मस्तिष्क के स्वास्थ्य से जुड़े संबंध पाए गए हैं। अन्य फ्लेवोनॉइड युक्त खाद्य पदार्थों में लाल और बैंगनी अंगूर, रेड वाइन, प्याज, चाय और बियर शामिल है। इसके बाद है नट्स। नट्स मस्तिष्क के लिए एक बहुत ही वंडर फूड है। ये प्रोटीन और आवश्यक फैटी एसिड से भरपूर होता है। नट्स भी अमीनो आर्जिनिन से भरे हुए होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए ब्रेन के बेस पर पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें 35 साल की उम्र के बाद जल्दी से गिरावट आने लगती है। उसके बाद है ब्रोकली, विटामिन का एक बहुत अच्छा स्रोत। ब्रोकली ब्रेन पावर में सुधार करने के लिए जाना जाता है। ब्रोकली फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है, जो मस्तिष्क के कार्यों में खास भूमिका निभाता है। इसे मौजूद विटामिन बी याददाश्त सुधार और मानसिक सहन शक्ति बढ़ाने में मददगार है। एक कप में 2 या 3 बार ब्रोकली खाने से ज्यादा उम्र में अल्जाइमर से पीड़ित होने की आशंका कम हो जाती है। उसके बाद है ग्रीन टी। ग्रीन टी अल्जाइमर रोग में मौजूद एक एंजाइम को रोकता है और ये पॉलीफेनॉल से भी समृद्ध है। पॉलीफेनॉल एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो मस्तिष्क की उम्र बढ़ने को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा ग्रीन टी पीने से मस्तिष्क के अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे विकारों पर भी रोक लगती है। ग्रीन टी आपको दिन में 2 कप पीना ही चाहिए। शरीर की प्रत्येक कोशिका को पनपने के लिए पानी की आवश्यकता होती ही है, और मस्तिष्क की कोशिकाएं भी कोई अलग नहीं है। वास्तव में मस्तिष्क का लगभग 3/4 हिस्सा पानी ही है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों का शरीर अच्छी तरह से हाइड्रेटेड है, उन्होंने उन लोगों की तुलना में ब्रेन पावर के परीक्षणों पर काफी बेहतर स्कोर किया, जो कि पर्याप्त पानी नहीं पी रहे थे। इसके बाद सैल्मन मछली। मछली प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होती है, जो कि मस्तिष्क के विकार हटाने में सहायक है। विशेष रूप से सैल्मन और ट्यूना मछली ज्यादा लाभकारी है। यह मस्तिष्क को युवा रखने और उम्र बढ़ने के साथ होने वाले मस्तिष्क संबंधी जोखिमों को कम करती है। तो दोस्तों, ये थे वो वंडर फूड्स जो शार्प ब्रेन और मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए आपको अपने खाने में आज ही शामिल करने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम जरूर आएगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ घरेलू स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।